नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण प्रताप सेन लेकर आया हूँ आज संस्कृत भाषा में ल्यूट प्रत्यय, जो वर्ग 3 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखें संस्कृत भाषा में ल्यूट प्रत्यय। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखें ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है नपुंसके भावेत्कत ल्यूट च, अर्थात सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में ल्यूट प्रत्यय लगता है, अर्थात ल्यूट प्रत्यय जो है वो नपुंसक लिंग को दर्शाता है। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं, अर्थात जैसे मैंने इसके पहले बताया भी कि जो इससे जो शब्द बनते हैं वो नपुंसक लिंग को दर्शाते हैं, जैसे पठनम, लेखनम, दानम, लेखनम आदि। ये सब कैसे प्रत्यय हैं, नपुंसक लिंग को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ल्यूट प्रत्यय के ला और टा की इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, जो इसके ला और टा वर्ण हैं वो इस संज्ञा होकर क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना इसको, इसमें यू शेष रहता है तथा यू को युवोर युवोर नाकऊ सूत्र से इसका अनादेश हो जाता है। तो याद रखना कि यू भी समाप्त हो जाता है और अन आ जाता है इसके स्थान पर। इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, तो उदाहरण देखते हैं। जैसे लेखन ल्यूट, तो क्या बनता है, लेखनम, लेखन, अन बना देख माँ भी लग जाता है, लेखनम। दाधन ल्यूट दानम, अर्चधन ल्यूट अर्चनम, कथधन ल्यूट कथनम, पठधन ल्यूट पठनम। दोस्तों ये थे कुछ ल्यूट प्रत्यय के उदाहरण जो मैंने आपको समझाए। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।